हाय, आज हम बनाएंगे हैदराबाद का बहुत ही फेमस डिश मेथी चमन इन ए वेरी सिंपल वे। चलिए शुरू करते हैं प्रोसेस। इसके लिए हम पहले एक वाइड वेजल में 1 कप पालक लेंगे, 1 कप मेथी, इसको मैंने बारीक काट लिया है दोनों लीव्स को। अब इसमें हम डालेंगे 1 कप वाटर, फ्लेम को हाई पे रख लेंगे 5 मिनट्स के लिए। इसको पका लेंगे हम। हाफ टेबल स्पून नमक, नमक ऑप्शनल है। अब बिना कवर किए इसको अच्छे से पकाएंगे। जब तक ये ठंडा हो रहा होता है, हम मिक्सी में थोड़े से लहसुन डालेंगे। मैं यहाँ पर 6 से 7 लहसुन ले रही हूँ, 3 ग्रीन चिली ले रही हूँ। आप चाहे तो बारीक भी काट कर डाल सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर सारा पेस्ट कर रही हूँ। इसको हम अच्छे से पेस्ट कर लेंगे एक बार। देखिए, मैंने पेस्ट कर लिया है। अब इसमें हम अपना पालक और मेथी का मिक्सचर डाल देंगे। अभी भी ये थोड़ा गर्म है, ठंडा होने के बाद मैं इसको फाइन पेस्ट कर लूँगी। तब तक हम उसी बाउल में 1 टेबल स्पून ऑयल, 2 टेबल स्पून बटर मेल्ट कर लेंगे। अब इसमें हम डालेंगे 2 बे लीव्स, सारे जो होल गर्म मसाला होता है बिरयानी का, शाजीरा, फ्लावर, स्टार एनास, इलायची, 2 लौंग भी हम डाल देंगे। हाफ मिनट के लिए इसको चला लेंगे। अब इसमें डालेंगे 1/2 कप ऑनियन, बहुत ही बारीक कटे हुए। मैंने फ्लेम को सिम पे रखा है, सारा प्रोसेस हम सिम पे ही बना लेंगे। ऑनियन को ट्रांसपेरेंट होने देंगे। जब ऑनियन गोल्डन ब्राउन हो जाए, हम अपना पेस्ट किया हुआ पालक और मेथी डाल देंगे। एक बार अच्छे से मिलाएंगे। अब इसको बिना कवर किए, जब तक बटर जो है वो फ्लोट ना हो जाए, तब तक पकाएंगे सिम पे ही। यहाँ पर बटर फ्लोट होने लगा। अब इसमें हम डालेंगे 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर, 1/2 टेबल स्पून जिंजर पाउडर। इसको एक बार मिला लेंगे और 1/2 ग्लास वाटर डाल देंगे। अब फिर से इसको 10 मोर मिनट्स के लिए पकाएंगे। 10 मिनट से ये पक रहा था बटर फ्लोट होने के लिए। अब फिर से 10 मिनट्स के लिए सिम पे ही पकाएंगे। ये देखिए थिकनेस आप देख सकते हैं। अब इसमें हम डालेंगे 100 ग्राम्स पनीर। पनीर ये मैंने घर पे ही बनाया है, आप इसके लिए हमारा लिंक भी देख सकते हैं। फ्रेश पनीर हम लेंगे 100 ग्राम्स। अब फिर से इसको 5 मिनट्स के लिए पकाएंगे सिम पे ही बिना कवर किए। अब देख सकते हैं यहाँ पर बबल्स आने लगे। अब इसमें हम 1/2 टेबल स्पून आमचूर पाउडर डालेंगे। आमचूर पाउडर ऑप्शनल है, आप अगर स्पाइसीनेस ज़्यादा चाहते हैं तो थोड़ा सा गरम मसाला भी आप डाल सकते हैं। एक बार इसको मिलाएंगे। अब इसमें हम क्रीम डालेंगे, ये घर पे बना हुआ क्रीम है। इंशाल्लाह मैं इसका भी वीडियो ज़रूर बनाऊंगी। देखिए कितना लवली कलर आ गया है। अब इसको 2 मिनट के लिए पकाएंगे बिना कवर किए सिम पे ही। अब लास्ट में 1 टेबल स्पून बटर और थोड़े से कोरिएंडर लीव्स। बन गया हमारा मेथी चमन। आप इसको नान, रोटी, पुलका या फिर फ्रैंकी में भी आप स्टफिंग के जैसे रख के एंजॉय कर सकते हैं। ट्राई ज़रूर कीजिए और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। एंड डू नॉट फॉरगेट टू प्रेस द लाइक बटन। प्लीज़ लीव योर वैल्युएबल कमेंट्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय।